हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हो बच्चों? और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ प्रोसेस टुडे, एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग एनिमल्स or living plants or any living things. So first of all, we are going to discuss ki what is living and what is non-living. पहले तो ये समझते हैं कि living क्या है और non-living क्या है, फिर उसके processes के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप अपनी जानकारी के अनुसार कह सकते हैं कि living वो होता है जिसमें growth होती है, जिसमें movement होती है ना, ग्रोथ है, मूवमेंट होती है, जिसमें लोकोमोशन हो सकती है किसी तरह का, या प्लांट्स जैसे हैं उसमें लोकोमोशन तो नहीं होती लेकिन मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे होती है? जब हवा चलता है तो उसकी पत्तियां डालियां इधर उधर हो रही हैं। अभी तूफान आता है तब भी देखे होंगे पेड़ उखड़ के इधर से उधर हो जाते हैं, डालियां इधर से उधर होती रहती है उसकी। सो इस तरीके से जो है उसमें मूवमेंट होती है, बट लोकोमोशन नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कुछ कुत्ते ऐसे सड़क पे दौड़ रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ियां भी तो चल रही हैं, तो क्या वो लिविंग है? क्या क्या गाड़ियां चल रही हैं? गाड़ियों में तो है लोकोमोशन, लेकिन क्या आपकी कार लिविंग थिंग है? क्या आपकी मोटरसाइकिल लिविंग थिंग है? या साइकिल से भी आप जा रहे होते हैं, साइकिल भी चल रही होती है, तो क्या वो लिविंग है? चलना कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, मूवमेंट के आधार पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लिविंग है कि नहीं है। मूविंग मूवमेंट कब होनी चाहिए? मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बॉडी में मूवमेंट हो सकती है, बट मूवमेंट किस लेवल पे हो सकती है? तो मूवमेंट अगर बहुत माइक्रो लेवल पे जाए, जैसे कोई सो रहा है तो उसकी मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो डेड है क्या? नहीं, वो तो अभी भी लिविंग नहीं है। तो कहेंगे कि नहीं, हम तो पता कर लेंगे कैसे, तो उसकी अगर सांस चल रही है, वो अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है, अगर एयर को इनटेक कर रहा है, इनहेल कर रहा है और बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें वो लिविंग है। अच्छा जी, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अब बताओ, प्लांट जो है उसमें इस तरह का प्रोसेस तो नहीं होता, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं होती। तो कहेंगे कि प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस होने से उसमें जो होता है वो फूड बनता है, और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती रहती है, उसकी एस्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ एयर होता रहता है जो उसकी लीफ में होती है। ये सब बातें भी ठीक है, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा है और यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, फिर भी वो प्लांट होते हैं। जैसे कसकटा है, ये इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ऐसी प्लांट्स जिसमें फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, क्या वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है। तो अब सवाल ये है कि लिविंग है क्या? और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें लिविंग कोई मूवमेंट ऐसी होती ही नहीं है, वो मूवमेंट तब तक नहीं होती, दिखाई नहीं देती। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाओगे तो उसमें मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, वो बिल्कुल ही न तो कोई रेस्पिरेशन हो रही है, न कोई मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय तक उनको ऐसा ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसमें ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही है जिससे ये पता चल सके कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब देखिए, अभी हाल कल कोरोना वायरस की बात की जा रही है। कोरोना वायरस में क्या है कि वायरस क्या होता है? वायरस आपने पढ़ा होगा कि वायरस न तो लिविंग है और न नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच का है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और ये बहुत बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट्री वालों के बीच में ये एक चलता रहता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के आधार पे और बायोलॉजिकल बिहेवियर के आधार पे हम उसको ये नहीं कह सकते निश्चित रूप से। इसमें लंबे डिस्कशन चलता रहता है कि whether it is living or non-living। अगर ये नॉन लिविंग है तो इतने दुनिया में हल्का क्यों मचा रखा है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है वायरस की वजह से? और अगर ये नॉन लिविंग है तो फिर इसको कैसे, क्या इसमें लोकोमोशन खुद होती है या कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? तो इसके बहुत सारी बातें आप रोज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वायरस जो है उसमें कोई बिहेवियर, कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट तब तक नहीं होती जब तक किसी सेल को के टच में नहीं जाता, और जब किसी सेल के टच में जाता है तब इसमें
जो होता है वो इसमें एक्टिविटी होती है, इसमें बिहेवियर होता है, इसमें मूवमेंट होती है और इसकी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है, तब ये लिविंग की तरह काम करता है। और जब तक किसी सेल के कंसर्न में नहीं रहता, टच में नहीं रहता, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह काम करता है। यानी एक ऐसा नॉन लिविंग जो लिविंग की तरह काम करता है जब ये किसी सेल के साथ अटैच हो जाता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप बार बार जो हैंड वॉश कीजिए, और ताकि ये अगर नॉन लिविंग है और आपके बॉडी के सेल के टच में आया तो आप उसे धो करके साफ कर सके और उसे अपने से दूर कर सके, ताकि आपके सेल को इन्फेक्ट करने से आप बच पाए। तो इस तरह से जो है वायरस एक अलग ऐसी चीज है, मोलिकुलर लेवल पे और माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करें तो ऐसे बहुत से आपको ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जहां पे मोलिकुलर मूवमेंट होती है, और बहुत माइक्रो लेवल पे मोलिकुलर मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो हमें कई बार दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें किसी तरह का मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें हो रहे हैं। और माइक्रो लेवल पे मूवमेंट कैसे होते हैं और उससे क्या होता है कि कोई कोई भी एक्टिविटी जो है जो उस ऑर्गेनिज्म का होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या किसी तरह का रिपेयरिंग का मेंटेनेंस का काम हो या डाइजेशन का काम हो, कोई भी काम हो, तो वो धीरे धीरे होता रहता है और वो आपको दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत माइक्रो लेवल पे मोलिकुलर मूवमेंट होती है बॉडी में, आपको दिखाई दे या ना दे, तब हम कह सकते हैं कि हर एक लिविंग बॉडी में ऐसी एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। और इस तरह से मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक लिविंग बॉडी का, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे हमें दिखाई नहीं दे, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। तो अब सवाल है कि ये मोलिकुलर मूवमेंट जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ लिविंग लाइफ। बिकॉज क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट में, चूंकि हम रहते कहाँ हैं, एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में रहने की वजह से हर एक सेल्स में वियर एंड टियर होती है, और इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो होता है ये वियरिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है, और पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने पे वो डेड हो जाता है। तो जैसे आपकी नाखून है, नाखून है, इसमें क्या हो जाता है, सेल धीरे 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 क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर के डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसे काट देते हैं। तो ऐसे ही बॉडी के बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एनवायरमेंट की वजह से ये धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, और इसमें ब्रेक डाउन होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और ब्रेक डाउन होने के बाद इन ये डेड होने की कगार पे होते हैं। तो इससे पहले कि वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाए उसकी रिपेयरिंग की जा सकती है, और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस लगातार होते रहने से कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है। अगर उसमें लगातार जो डेड सेल हो रहे हैं उसको एक नया सेल रिपेयर कर दे, और नया सेल रिपेयर कर दे उसको रिप्लेस कर दे, तो डेड सेल को आप निकाल सकते हैं बॉडी से और उस नया सेल उसकी जगह पे काम करेगा। तो इस तरीके से जो बॉडी है वो लगातार फंक्शनल रहेगा और उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी रहेगी। तो ये जो प्रोसेस है, थ्रू आउट द प्रोसेस इन विच देयर इज ए मेंटेनेंस एंड देयर इज ए रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स थ्रू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसे उसमें प्रोसेस आएगी कि बहुत सारे प्रोसेस हम फूड लेते हैं, फूड के जरिए मेंटेनेंस होती है, एनर्जी मिलती है, रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस है जिस प्रोसेस के जरिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम होता है, और ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सेल के होने से, जो सेल मिलकर के जैसे आपको पता है कि टिश्यू बनाते हैं, तो ये सारे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सेल की होने की वजह से टिश्यू ठीक रहेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन ठीक रहेगा प्रॉपर, और ऑर्गन ठीक रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम ठीक रहेगा, और ऑर्गन सिस्टम ठीक रहेगा तो लाइफ भी ठीक रहेगी, और लाइफ को लगातार कॉन्स्टेंटली आप लाइव सिचुएशन में देख सकते हैं। तो ये रिपेयर अभी बहुत सारे देशों में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि जो डेड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है, कई सारे सेल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतने धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि उसकी रिपेयरिंग मुश्किल होती है, और ग्रोइंग एज के साथ उसमें सेल्स में इतनी रिपेयरिंग की एबिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो रिपेयर नहीं हो पाते, और बहुत समय सालों के बाद कुछ सेल्स धीरे धीरे डेड होने लग जाते हैं, और सेल्स डेड होते हैं
सेल मिल के टिश्यू बनता है, तो टिश्यू डेड हो जाते हैं, फिर ऑर्गन डेड हो जाता है और ऑर्गन फेलियर कहते हैं और उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो अब रिसर्च ये चल रहा है पूरी दुनिया में कि जो टिश्यू अब ग्रोइंग एज में, ओल्डर एज में जो टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते, सेल्फ रिपेयर नहीं हो पाते, उसको अगर हम मेडिकली और साइंटिफिकली रिपेयर कर दे तो आदमी फिर ऑर्गन तो काम करता रहेगा, टिश्यू डेड नहीं होंगे, और टिश्यू डेड नहीं होंगे तो ऑर्गन भी डेड नहीं होगा, और ऑर्गन काम करता रहेगा तो आदमी कभी मरेगा ही नहीं। तो जो लोग हैं उनकी लाइफ को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए ऐसी एक्सपेरिमेंट चल रही है कि क्यों ना हम आर्टिफिशियली उस टिश्यू को रिपेयर कर दें जो सेल्फ रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए, सोचो, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो चाहें तो अपने पैसे खर्च करके और अपने टिश्यू को रिपेयर करा ले, एक बॉडी का पूरी तरह से स्कैनिंग की जाए ओल्डर एज में 50-60 साल में, और देखे किस समय जो जो टिश्यू खराब है उस सारे टिश्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, और सारे टिश्यू को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो जो खराब है वो सब रिप्लेस हो गए, तो सारे ऑर्गन फिर से नए की तरह काम करेंगे। जैसे आप किसी मशीन में कोई पार्ट खराब हो जाती है और उसको आप रिप्लेस कर देते हो नए पार्ट से, और फिर वो काम करने लग जाता है अच्छी तरह से, वो कभी खराब नहीं होता। कोई मशीन लाइफ लॉन्ग खराब थोड़े ना होता है, उसके जैसे जैसे पार्ट खराब होते हैं वैसे वैसे अगर उसके रिप्लेस करते किए करते चले जाए और उसको अपग्रेड करते चले जाए तो कोई भी मशीन कभी डेड नहीं हो सकती, वो कभी खराब नहीं हो सकती, वो कभी नॉन फंक्शनल नहीं हो सकती। तो इसी तरह से बॉडी भी कभी नॉन फंक्शनल नहीं हो सकती अगर हम उसके सारे डेड सेल्स को हम फिर से रिपेयर कर दें। और थोड़ी सी आप क्लास से अलग बात बता देते हैं, ये सब्जेक्ट से अलग बात बता देते हैं कि सेल को रिपेयर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसमें एनर्जी इनपुट करने के लिए लोग तरह तरह से कसरत करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हर एक सेल जो है वो एक्टिवेट रहे, और एक्टिवेट रहेगा तो जब रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो रिपेयर कर लेगा। लेकिन जो लोग नहीं करते उनको क्या होता है, उनको धीरे 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 कोई सेल डेड होता है तो वहां पे अकड़न शुरू हो जाती है, वहां पे उसको उनको पेन होने लग जाता है। और ओल्ड एज में देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को कि किसी को कहीं पेन है, किसी को कहीं पेन है, क्योंकि वहां से उनके सेल्स डेड होने लग रही हैं और रिपेयरिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर मूवमेंट नहीं है, और वही मोलिकुलर मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, वहां पर जो है वो धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है कई जगह म्यूकस जमा हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी कहानी जो है लाइफ में चलती रहती है। हम अब कोशिश करते हैं कि ये मोलिकुलर मूवमेंट जो जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, किसके लिए जरूरी है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, इस पे थोड़ी और बात करें। और आइए आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल बात करते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो ये जो सेल की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जो काम होता रहता है किसी भी टिश्यूज के, ये तब भी चलता रहता है जब बॉडी कुछ न कर रहा हो, लिविंग बॉडी जब कुछ न कर रहा हो, जैसे रेस्ट में हो, जैसे कोई सो रहा है, जैसे कोई हाइबरनेशन में है, इवन तब भी थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी आउटसाइड एनवायरनमेंट से आएगा, क्योंकि बॉडी सेल्फ कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। बॉडी के अंदर जो भी डिटोरिएशन होती है, या कोई सेल या मॉलिक्यूल से या कोई भी चीज ब्रेक डाउन होता है, या सेल जिसकी वजह से डैमेज होती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, सेल को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, और सेल जो डैमेज हो चुके हैं उसके रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी बॉडी खुद प्रोड्यूस तो करता नहीं, तो ये एनर्जी बाहर से लेनी होती है, और बाहर के किसी सोर्स से, आउटर एनवायरनमेंट से हमें वो एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी की मदद से बॉडी क्या करेगा, सेल को रिपेयर करेगा और उसको मेंटेन करेगा। तो ये एनर्जी हम फूड के रूप में लेते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से हम फूड के रूप में लेते हैं। और ये फूड जब हम लेते हैं बॉडी के अंदर, तो फूड कैसा, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और हर ऑर्गेनिजम्स के फूड लेने का तरीका अलग अलग है, कौन किस तरह का फूड लेता है उसी तरह के उसके डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। सो डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर फॉर टेकिंग इनटेक ऑफ द फूड एंड टाइप ऑफ द फूड विच दे आर टेकिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग, डिपेंड्स ऑन दैट टाइप ऑफ फूड
डाइजेशन प्रोसेस आर ऑल्सो डिफरेंट। तो कुछ जैसे प्लांट्स हैं उनके फूड लेने का अलग तरीका है, एनिमल के भी डिफरेंट डिफरेंट फूड लेने के तरीके हैं, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उसमें तो पूरा बॉडी सरफेस ही एक्सपोज है, तो अगर पूरा बॉडी सरफेस एक्सपोज है तो जितना सेल एक ही सेल है और पूरा सेल के सेल जो है एक्सपोज है, तो पूरा सेल जो है वो डिटोरिएट हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसलिए पूरे सेल की मेंटेनेंस की जरूरत होगी। और हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कुछ सेल जो है वो बॉडी के बहुत इनर पार्ट में है, वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है एटमोस्फेयर से, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, तो उनमें थोड़ी डिटेरियेशन जो होगी, उसमें जो ब्रेक डाउन होगा वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा। जो एक्सपोज है एनवायरनमेंट में, उसकी जो वो सेल की जो रिपेयरिंग चाहिए वो ज्यादा जल्दी चाहिए, और जो अंदर में है बॉडी के इनर पार्ट में जो सेल्स हैं उसमें चूंकि एक्सपोज कम है, उसका एक्सपोजर कम है, एनवायरनमेंट में कम एक्सपोजर है, इसलिए उसका जो ब्रेक डाउन और उसके डैमेज होने में भी लंबा समय लगता है और ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। तो खैर कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, हमें क्या चाहिए, हमें उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा हो या फास्ट डैमेज हो रहा हो, हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से एनर्जी लेनी पड़ती है। और एनर्जी हम लेते किस फॉर्म में है, एनर्जी हम लेते हैं फूड के फॉर्म में। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेसेस, इट इज नॉट ओनली वन प्रोसेस, द डिफरेंट प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म, टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस टुगेदर, मेंटेनेंस जॉब टुगेदर, इनफैक्ट वी कैन से मेंटेनेंस जॉब है, मेंटेनेंस जॉब टुगेदर इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन व्हाट वी आर टेकिंग एंड सोर्स ऑफ द कार्बन व्हिच वी आर टेकिंग, द डाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैज डिफरेंट डाइजेशन प्रोसेस, एंड टेकिंग फूड इनटेक टू मेंटेन टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंड रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स व्हिच ब्रेक डाउन ड्यू टू ओवर द टाइम, ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड द एक्टिविटी एंड प्रोसेस व्हिच दे आर परफॉर्मिंग टुगेदर इन द बॉडी। सो इस सब जो चीजें होगी उसके आधार पे प्रोसेस जो डाइजेशन के प्रोसेस है वो डिफरेंट होते हैं, और इसको हम कहते हैं पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन इज ए कंप्लीट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, आउटसाइड आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ द सेल सेल्स। ठीक है, ये न्यूट्रिशन है। जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की बढ़ जाती है, इसलिए फूड सोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी, फूड की अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी
वो बढ़ जाती है। जैसे आप बच्चा कोई बहुत सा छोटा सा बेबी है तो 2-4 चम्मच दूध पिलाने से भी उसका पेट भर जाता है, और वही जब बड़ा हो जाता है तो 6 रोटियां खाता है ना, और वो एक बाउल राइस खाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसकी फूड की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की जरूरत जो होती है, डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, और एनर्जी की जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो फूड की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए जो बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। एक हाथी जितना खाता है उतना एक बकरी नहीं खाता, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बल्क है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एक बकरी को कम रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जैसे हमने गोट और एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही एक आदमी के लाइफ प्रोसेस में भी अगर शुरू में बच्चा है तो जैसे हमने कहा कि 2-4 चम्मच दूध से उसका काम चल जाता है, जैसे जैसे बड़े होता है उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। फिर जो लोग उसमें भी कई सारे एक ही एज ग्रुप के लोग, कोई फिजिकल वर्क करता है तो उसे बहुत ज्यादा चाहिए मेंटेनेंस, कोई पहलवान है तो उसको 6 अंडे 8 अंडे खाता है, 2 लीटर दूध पीता है, खली जो है वो 12 दर्जन अंडे खा जाते हैं। तो ये कहने का मतलब एक आम आदमी उतनी अंडे खा ले तो ऐसे ही इतनी गर्मी होगी कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसके बहुत सारे परेशानियां का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि उनकी इतनी ज्यादा वर्कआउट है, इतने ज्यादा एनर्जी वर्कआउट होने की वजह से इतने ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो उतनी ही एनर्जी उनको इनटेक भी करना पड़ेगा। हम बोलते हैं तब भी हम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, साउंड एनर्जी के रूप में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तब भी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच वी आर परफॉर्मिंग, किस तरह का हम काम कर रहे हैं। अब हम काम दौड़ रहे हैं, कोई कुदाल चला रहा है, कोई हल जोत रहा है, कोई लेबर है जो बहुत सारे ईंटों को ढो रहा है, तो उसकी फिजिकल वर्क ज्यादा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एक आदमी जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा है या दिन भर सो रहा है या ऐसा कोई ऑफिशियल काम कर रहा है, तो उसको उतनी ज्यादा उसकी मेंटल थिकनेस जो एग्जर्ट है, प्रेशर है वो ज्यादा है, तो उसको उस तरह का फिजिकल वर्क नहीं है, इसलिए उसका फूड इंटेक कम होता है। और अगर वो बहुत ज्यादा फूड लेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हैं वो फिर धीरे धीरे जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और जमा होकर के कार्बोहाइड्रेट और फैट फिर आदमी क्या हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। और क्योंकि वो यूज नहीं हुए, जो एनर्जी है इनटेक हमने लिया वो एनर्जी हमारा यूज हुआ नहीं, और एनर्जी यूज नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्योंकि फैट जो हम भी लेते हैं उसको ब्रेक डाउन होना होता है, और ब्रेक डाउन होने से जब उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो एनर्जी के रूप में परफॉर्म करता है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत थी ही नहीं तो वो ब्रेक डाउन हुए नहीं, ब्रेक डाउन हुए नहीं तो धीरे धीरे जमा होते गए और आदमी धीरे धीरे ओबेस हो जाता है, और इस डिजीज को हम कहेंगे कि ओबेसिटी का शिकार हो गया। ये भी एक डिजीज है, ओबेसिटी भी एक डिजीज है। तो इस तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा कि एक्टिविटी किस तरह के परफॉर्म की जा रही है, उसी तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और लाइफ लॉन्ग एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं रहती, वो धीरे धीरे घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस एंड देयर एक्टिविटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम फूड लेते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, हम तो रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, राइस और ब्रेड खा रहे हैं, या हम फ्रूट खा रहे हैं, या हम कुछ मिल्क ले रहे हैं, तो ये एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ये जो भी चीज हम लेते हैं इसके पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए बहुत सारे, अभी हम इसको आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है एकदम बारीकी से, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लेकिन अभी इतना बता रहा हूँ कि जो भी हम फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद उसमें वो ब्रेक डाउन होता है बहुत माइन्यूट लेवल पे, और उसमें से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, ये सब आपने पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के सीख चुके हैं। और ये सब की वजह से ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से आता है। अब आउटसाइड एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं अब बाहर से ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, और ये ऑक्सीजन मिल जाने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है,
और ऑक्सीडेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है, कुछ रिडक्शन प्रोसेस भी बॉडी के अंदर होता है। तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है बॉडी के अंदर, और ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो बॉडी को डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो यूनिफॉर्म एनर्जी जो आप चाहिए बॉडी को, जिसकी वजह से मेंटेनेंस और पेयरिंग हो सकती है, या किसी सेल के ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए ही एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी किसी सेल के ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है। और सेल का ग्रोथ होगा तो ऑर्गन का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो ऑर्गन भी डेवलप होता है। अब जैसे कोई बच्चा है, बहुत छोटा है, तो उसके ऑर्गन तो होते हैं बट वो वेल डेवलप नहीं होते, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ऑर्गन डेवलप होता जाता है। तो जब वो सेल ग्रो होती है तभी ऑर्गन डेवलप होता है। तो सेल के ग्रोथ के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी बाहर से हम ऑक्सीजन लेकर के और उस ऑक्सीजन के जरिए हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ये डिटेल में कैसे करते हैं ये सारी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है, और उसके लिए स्पेसिफाइड ऑर्गन्स हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं। और जैसे आप डाइजेशन करना है तो वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पूरा कई सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, और ये सारे ऑर्गन मिलके डाइजेशन का काम करते हैं। डिटेल में ही इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफाइड ऑर्गन्स है नहीं जो इस सिस्टम को, इस डाइजेशन को परफॉर्म करे, एक ही सेल है वही सारे काम करता है। तो उसके लिए जो होता है वो बाहर से ऑक्सीजन लेकर के और इस तरह से वो डाइजेशन करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलुलर हैं उसमें गैस का एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली होती रहती है। जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल के रूप में कहा जाता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसकी थ्रू आउट द बॉडी सरफेस से होती है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, पूरी बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती रहती है और फूड को इनटेक करता रहता है। तो ऐसी स्थिति को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो हम फूड लेते हैं वो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास पहुंचता है तो एनर्जी वहां रिलीज होती है, और एनर्जी वहां से रिलीज होती है तो, लेकिन वहीं पे सिर्फ हमारी स्टोमेक को ही तो एनर्जी नहीं चाहिए। हम फूड तो स्टोमेक में लेते हैं और स्टोमेक को ही सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी तो पूरी बॉडी पार्ट्स को चाहिए, चाहे वो टो हमारी हो, चाहे आई हो, चाहे हेयर हो, चाहे कहीं पर भी हो, पूरी बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। हर जगह टिश्यू है और हर जगह टिश्यू की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और ब्लड जो है वन ऑफ द बेस्ट रोल जो है ब्लड का वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही है। ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी पार्ट्स को, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चैनल है, जो रास्ते हैं, वो क्या है, वो वेन्स है, और वेन के जरिए बॉड जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को। तो एनर्जी एक जगह से बनता है, फूड के जरिए हम इंटेक लेते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। अब जब एनर्जी बनती है तो एनर्जी बनने के साथ ही सारी चीजें जो है वो काम की नहीं निकलती, कुछ ऐसा है जो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने के बाद जो कुछ ऐसी चीजें निकलती है जो वेस्ट प्रोडक्ट कहलाती है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल के लिए हार्मफुल होती है। ना कि सेल के लिए सिर्फ हार्मफुल होती है बट बॉडी के लिए भी हार्मफुल होती है। ये यूजलेस प्रोडक्ट कई बार सेल के लिए होते हैं, कई बार हार्मफुल भी होते हैं, और हार्मफुल प्रोडक्ट सेल को हार्म कर सकते हैं। तो जो रिपेयरिंग के लिए काम कर रहे थे वो अब उसको डैमेज करने के लिए काम करने शुरू कर देंगे, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। और इस बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ये वेस्ट मटेरियल के लिए जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा बॉडी फूड इंटेक से लेकर के और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑल कंप्लीट दिस प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस में ये सारे जो हमने प्रोसेस किया है, रेस्पिरेशन है,
डाइजेस्ट, पहले डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सब कैसे होंगे और किस तरह से होते हैं हमारी बॉडी में, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बारीकी से सब चीजों पे बात होगी और एक एक करके बात होगी कि हम फूड कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, और फूड हमें देता कौन है, फूड हम कहाँ से लाते हैं, किस किस टाइप के हम फूड लेते हैं, और प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं, एनिमल्स कैसे फूड लेते हैं, इन सब पे डिटेल चर्चा अगली क्लास में होगी। और ब्रेक के बाद तब तक आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। मेरे ख्याल से हमने एक ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। और अगली क्लास में फिर बात करते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस।